फल आओ यहाँ, देखिए 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 आओ, साई हाइट हमारे साथ यहाँ पे मैच करेगी अब, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और तुम अपना इंट्रोडक्शन दो अनुरुल। हेलो आई एम अनुरुल इन न्यू ट्री। और कौन हो तुम मेरे, बताओ जल्दी से बताओ, मैं कौन हूँ? मौसी। मौसी। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी मोटी सी लंबी सी कौन कौन अनुरुद, कौन है ये तुम्हारी मम्मा प्यारी सी। और हम दोनों का फेस बहुत रिजेंबल करता है, आप लोग बताना करता है कि नहीं करता है, है ना? बड़ी बहन लगती हूँ, वो छोटी बहन लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी बुड्ढी बुड्ढी ना, मौसी बुड्ढी बुड्ढी सी लगती है ना, मौसी यंग यंग है, मम्मी बुड्ढी बुड्ढी सी। अच्छा अनुरुद, तू अभी मम्मी और मौसी जा रहे है ना, तू अपना ध्यान रखोगे? हाँ। और नानी का भी रखोगे? हाँ। रखोगे पक्का? हाँ। फिर तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं, नहीं? नहीं। तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ आने पे मैं पूरी तरह से ये हो गई थी अब व्लॉग नहीं बनाना है, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो आज मुझे अनिरुद्ध ने बोला, मौसी आप व्लॉग नहीं बनाओगे? तो मैंने कहा इसके लिए तो बनता ही है, और मुझे नेक्स्ट डे सिर्फ इसकी खुशी के लिए अपलोड भी करना है। तो अभी मैं और पारुल जा रहे थे, थोड़ा सा इसको मार्केटिंग का बहुत अच्छा आइडिया है, कहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं। तो मुझे अपने कुछ बनारसी साड़ियों के ब्लाउज़ लेने थे, तो मैं उन्हीं को स्टिच कराने के लिए, मतलब उनके लिए ब्लाउज़ के लिए कपड़े लेने जा रही थी। पारुल मतलब इतना ज़्यादा इसको आइडिया है यहाँ का, और मुझे भी लखनऊ छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, और ये आती जाती रहती है लखनऊ में, तो सारी मार्केट्स और ये सब चीज़ें इसको बहुत अच्छे से पता है। और आज बहुत दिन के बाद मुझे स्कूटी में ना पीछे बैठने का मज़ा मिला, और मौसम भी यहाँ का लखनऊ का बहुत अच्छा है। पता है क्या होता है, जब आपके पास साड़ियाँ होती हैं उनके लोग सूट बना लेते हैं, पर जो साड़ियों का क्रेज़ होता है वो उन्हीं का क्रेज़ होता है, और शादी की साड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो मुझे मन नहीं हो रहा था कि उनका सूट बनाऊँ, तो मैंने कहा नहीं, इनके लिए ब्लाउज़ का ऑप्शन सबसे बेटर है कि इनके लिए दूसरा ब्लाउज़ बना लो, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ होती हैं तो वो मसक जाती हैं बहुत ज़्यादा। अनिरुद्ध का लगातार फ़ोन आ रहा था कि मम्मा जल्दी आओ, तो पारुल भी बहुत टेंशन में आ गई थी कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी आना है। और यहाँ पे इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं कि यहाँ का क्राउड काफ़ी मेंटेन हो गया है। और ये है हमारी बहुत बहुत प्यारी सी एक नंबर वाली आंटी, हम लोग जब बचपन पे इन आंटी के साथ खेलते थे, और ये मुझे बहुत प्यार करती हैं ये आंटी, जब भी मैं आती हूँ तो या गेट पे मिलने ज़रूर आती हैं। और यहाँ पे क्या है, हर घर में ना जैसे एक नंबर में जो रहता है उनको एक नंबर वाली आंटी कहते हैं, दो नंबर में रहते हैं तो उन्हें दो नंबर वाली आंटी, और ठकुराइन आंटी, पंडिताइन आंटी। तो ये यूपी में बहुत अच्छा चलता है, सब यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। समहाउ सडनली ना मम्मी का सुबह ब्लड टेस्ट हुआ था, मतलब कल हुआ था टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और आज पारुल आ गई। तो पारुल मेरे यहाँ क्या है कि मम्मी को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेती है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो अभी पारुल लेके गई थी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ, तो वही आंटी पूछ रही थी रिपोर्ट्स कैसी आई क्या है। देखो ये गली मोहल्लों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ एकदम यहीं पे आके रुकी है। फल आओ यहाँ, देखिए 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 आओ, साई हाइट हमारे साथ यहाँ पे मैच करेगी अब, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहन, छोटी बहन, हम छोटी बहन लगते हैं नहीं ना, देखा मेरी छोटी छोटी, कौन ज्यादा अच्छा लगता है मम्मी की मौसी? मम्मी। देखा देखा अपना अपना ही होता है, अपना खून अपना। बच्चों में एक तरह का अलग ही अट्रैक्शन होता है। देखो हम मतलब मैं और मम्मी थे ना तो चुपचाप बैठे रहते थे, आज ये आया तो पूरे घर में चहल पहल है। तो आज जिसने सबको बॉलिंग कराई, फिर बोला मतलब टाइमली सब बैट भी करो, तो इसने मुझे भी आज बोला, मेरा मन ही नहीं हो रहा था करने का, लेकिन बच्चे की खुशी देख के लगता है कि हाँ करनी चाहिए। तो बस मैंने भी बॉलिंग की, और बॉलिंग की एकदम प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई, तो मैं इसको बोल रही थी भाई थोड़ी इज्जत रख ले। तो खैर बहुत धीमे धीमे खेल रहा था कि कहीं बॉल बाहर ना चल जाए, मम्मी या मौसी किसी को दौड़ना ना पड़े। चले 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 अनुरुद, चल रहे हैं, गुड बॉय अनुरुद, चलो चलते हैं यार, घूम के आएंगे ना।
मौसी को पता ही नहीं कहाँ पे मार्केट है, चलो ना। ओहो आज पाल बदला मत लेना है। अनु छुक छुक गाड़ी आ गई, तुम बाय नहीं करते इसे है? छुक्छुक गाड़ी को बाय नहीं करते? छुक्छुक गाड़ी को बाय नहीं करते इसे? बाय बाय। हाँ ये हमारी क्रिकेटर जाती हुई और बैट को पकड़ती हुई, और ये बॉलर ने बॉल फेंकी, और ये क्रिकेटर है। ये चौका नहीं था, कौन सा फिसड्डी चौका है। ये सिक्सर मारती हुई ब्लॉकर हमारी आउट। पता है लखनऊ का एक अपना ही मजा है, बहुत अच्छा शहर है। और मतलब होता है ना कि आप जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो तो सब कुछ लगता है कि यहीं पे, और यहाँ पे लोगों में एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो है यहाँ का अपनापन। और फिर भी मैं कहूँगी कि सब कुछ इतना कूल लगता है अपने शहर में, पहले इतना मुझे कभी नहीं लगा। और मैं, हम लोग आए थे यहाँ पे बताशे और टिक्की खाने, लखनऊ ना आए और ये सब ना करें तो फिर मज़ा ही क्या है। तो इसके यहाँ पे मिठी पारुल ने बताया था कि बताशे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग लाइन में खड़े थे और पारुल को भी बोल रहे थे कि तुम भी आ जाओ साथ में खाएंगे। पता है जो खुशी आपको अपनों के साथ मिलती है ना, और उसके लिए आपको ये मैटर नहीं करता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, मतलब आप किसी तरह भी इंजॉय कर सकते हो। खुशियाँ मैटर करती हैं और साथ में आपके अपने होने चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे आईटी कॉलेज, जो लोग लखनऊ के होंगे उनको पता होगा आईटी कॉलेज कौन सी जगह है। तो जा रही थी मैं अपने सूट स्टिचिंग के लिए डालने के लिए, घर आते ही पारुल चली गई थी डॉक्टर के पास, मम्मी को थोड़ा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको दिखाने, उनको दिखाने के लिए गई थी। और घर में थे मैं और अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध मुझे दिखा रहा था कि मेरा ड्रोन कितना अच्छे से फ्लाई करता है। तो मैं भी देख रही थी कि बच्चों को इस एज में इतनी टेक्नोलॉजी पता है जो हम लोगों को इस एज में भी नहीं पता है। तो ये इसमें अभी पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। जितना आप इन चीज़ों को जानेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो खैर, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।